हमारे देश का नेशनल गेम, डू यू नो दैट? यस, दैट इज हॉकी। वाओ, लेकिन हमारे देश का मोस्ट पॉपुलर गेम कौन सा है? दैट इज क्रिकेट। बिल्कुल करेक्ट। अब आपने कभी अपने इंडिया में देखा है कि क्रिकेट के मैचेस इन द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त होते हो? नहीं होते ना? हाँ, आपने अपनी गली में खेल लिया होगा क्रिकेट, बट जो इंटरनेशनल लेवल के मैचेस या नेशनल लेवल के मैचेस हैं, दोज आर नॉट बीइंग कंडक्टेड इन आवर कंट्री। हमारे देश में नहीं होते जुलाई अगस्त में। क्यों नहीं होते? क्योंकि उस दौरान हमारे इंडिया में क्या हो रहा होता है? मानसून की बारिश, द रेन, रेनी सीजन होगा ना, इसलिए। अच्छा, कभी आपने सुना है कि आप लोग के घर में किसी का मैरिज वगैरह की कोई पार्टी है, शादी है, और आपके घर वाले ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि नहीं, अभी नहीं करेंगे, अभी तो बारिश का मौसम है, ये वेदर बारिश वाला है, अभी नहीं करेंगे, उस दिन बारिश हो सकती है, या अभी बारिश का सीजन चल रहा है तो अभी नहीं करेंगे, वेदर खराब है अभी। सुना कभी आपने? अखबारों में, टीवी में, न्यूज़पेपर्स में, रेडियो पर, रेडियो पहले इस्तेमाल होता था, अब तो काफी कम हो गया है, तो इन पर भी आपने वेदर के फोरकास्ट के बारे में सुना होगा, टीवी पर और न्यूज़पेपर्स में उसके बारे में पब्लिश होता है कि कैसा था वेदर कल, कैसा फोरकास्ट का मतलब कैसा होने वाला है कल, क्यों? और आप जब कभी कहीं घूमने जाते हैं, सपोज हिल स्टेशन पे, पहाड़ों की सैर के लिए, तो आपको घर वाले आपके पैक करने के लिए सामान बोलते हैं कि ये भी पैक कर लीजिए, वो पैक कर लीजिए, और उसमें एक बहुत जरूरी चीज होती है, क्या? अम्ब्रेला। क्यों ये अम्ब्रेला? किस काम के लिए वहां पर? यस, कि हो सकता है आप हिली एरिया में जा रहे हो और हो सकता है वहां पर क्या हो जाए, बारिश, तो कौन सा काम आएगा ये अम्ब्रेला? काम आएगा ना? तो पता नहीं, अभी तो नहीं हो रही, लेकिन हो सकता बारिश हो जाए, ठीक है? तो ये वेदर के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, क्यों खिला जो स्पोर्ट्स वगैरह के इवेंट्स होती हैं उसके पहले वेदर के बारे में एक्सपर्ट्स बातें करते हैं, क्यों हमारे घर में कोई पार्टी होती तो बारिश के बारे में बातें करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि ये वेदर हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट एक आस्पेक्ट है, इसका हमारी लाइफ पर एक प्रोफाउंड इफेक्ट है। वो कैसा इफेक्ट है? और इसके अलावा इस चैप्टर में हम एक तो वेदर की बात करेंगे, इसके अलावा क्लाइमेट की बात करेंगे, क्लाइमेट ये क्या चीज है इसके बारे में बात करेंगे, और एक थर्ड चीज बात करेंगे, वो बात करेंगे ये वेदर और क्लाइमेट दोनों के बेसिस पर अलग अलग तरह के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी लाइफ पर क्या असर होता है। न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं आप लोग, उसमें फ्रंट पेज पर मोस्टली वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि लास्ट 24 आवर्स में जिस एरिया में वो पब्लिश हुआ है न्यूज़पेपर, जिस डिस्ट्रिक्ट का एरिया, जिस तहसील का एरिया, जिस जहाँ पे पब्लिश होता है, उस एरिया के 24 आवर्स के बारे में, जो लास्ट थे उनके बारे में बताया जाता है कि लास्ट 24 आवर्स में उस एरिया में टेम्परेचर कितना रहा, वहाँ पर रेनफॉल, बारिश वो अगर हुई तो कितनी हुई, वहाँ पर ह्यूमिडिटी कितनी थी, ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर इन द एयर, एयर में मॉइस्चर कितना, मॉइस्चर मतलब वाटर वेपर, वो मॉइस्चर कितना था, और कभी कभी विंड स्पीड कितनी रही, हवा की स्पीड कितनी रही, इसके बारे में डाटा होता है। तो आपको पता है ये वेदर की जो रिपोर्ट अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होती है, हु प्रिपेयर दिस, इसको प्रिपेयर कौन करता है, तैयार कौन करता है? न्यूज़पेपर वाले? न्यूज़पेपर वाले ये काम नहीं करते, एक्चुअली दिस वर्क इज डन बाय द वेदर साइंटिस्ट। ओ, वेदर साइंटिस्ट काम करते हैं, ओके। तो ये एक्चुअली इन इंडिया देर इज वन डिपार्टमेंट फॉर दैट, दैट इज IMD। IMD का मतलब फुल फॉर्म क्या है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, जो भारत का मौसम विभाग जो है, तो उसके साइंटिस्ट ये डाटा कलेक्ट करते हैं पहले तो उस एरिया का। डाटा मतलब जैसे कि विंड स्पीड क्या है वहाँ की, वहाँ पे एयर में मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, तो इन सब के बेसिस पर, और विंड की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में जा रही है एयर, इन सब डाटा को कलेक्ट करने के बाद में वो प्रेडिक्ट करते हैं, प्रेडिक्ट या फोरकास्ट करते हैं, मतलब भविष्यवाणी करते हैं। कई बार वो गलत भी हो जाती है कि यहाँ पे बारिश होने के चांसेस, कई बार वो नहीं भी होती है, और कई बार मोस्ट ऑफ द चांसेस में करेक्ट होता है। तो ये IMD कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन, और उसको फिर वो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स वाले, चैनल्स वाले उसको कलेक्ट करते हैं, और वो अपने अपनी जगह पे पब्लिश करते हैं। इस चैप्टर की फर्स्ट एक्टिविटी का टाइम आ गया। आपको क्या करना है? आपको 1 वीक का वेदर डाटा कलेक्ट करना है, मतलब आप जिस जगह पर हैं उस जगह का
वेदर डाटा एक वीक का, क्या करना आपको, न्यूज़पेपर में जो वेदर की रिपोर्ट पब्लिश होती है आपको उसको तलाशना है पहले, तुम ठीक है। अब उसके बाद में कंटिन्यू 7 डेज तक आपको वेदर की उस रिपोर्ट को, उसमें टेम्परेचर हो सकता है, उसमें ह्यूमिडिटी मॉइस्चर के बारे में हो सकता है, रेनफॉल के बारे में हो सकता है, विंड के बारे में भी हो सकता है। तो ये तमाम डाटा है आपको 7 डेज का न्यूज़पेपर को कलेक्ट, न्यूज़पेपर से कलेक्ट करना है। अगर न्यूज़पेपर आपके घर पे नहीं आता, देन यू कैन बोरो फ्रॉम द नेबर्स फ्रेंड्स, आप उनसे बोरो कर सकते, उधार ले सकते हैं और उसको नोट कर लीजिए। अगर आपके घर पे आता है न्यूज़पेपर तो आप उसकी कटआउट्स को काट लीजिए, उसके बाद में अपनी एक्चुअली नोटबुक में उनको पब्लिश कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए। और उसके बाद में ये तो इस एक्टिविटी का पार्ट नंबर वन। अब क्या करना है, अब आपको इस डाटा के बेसिस पर एक टेबल बनानी है। ये टेबल जो आपको अभी नजर आ रही है पीछे मेरे, इसमें जो एक्चुअली टोटल 6 कॉलम्स है और जो फर्स्ट रो है वो मैंने एक सैंपल के रूप में आपके लिए भरी है। जो मेरा जो घर है यहाँ पर, तो इसकी यहाँ का जो वेदर डाटा है वो मैंने एक आपके लिए भरा है, लेकिन आपको इसके बाद की जो 7 लाइन्स है आपको उनको भरना है आपके घर के हिसाब से। वहां पर टेम्परेचर का डाटा, इसमें कितने कॉलम, 6। पहला है डेट, पहले में डेट लिखी, तो डेट फर्स्ट डे से स्टार्ट किया आपने तो वो फर्स्ट डेट, अगर आप आज शुरू कर रहे हैं तो आज फर्स्ट डेट लिखेंगे, आज की डेट लिखेंगे, उसके बाद में फर्स्ट सेकंड थर्ड करके टोटल 7 इसमें आ गए। फिर सेकंड वाले में लिखा है मैक्सिमम टेम्परेचर, आज का फर्स्ट का, फर्स्ट डे का मैक्सिमम टेम्परेचर, फिर सेकंड मिनिमम टेम्परेचर, उसके बाद में ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी वो मैक्सिमम कितनी है और मिनिमम कितनी है परसेंटेज में, और लास्ट कॉलम किसके बारे में है, वो है रेनफॉल के बारे में। रेनफॉल में एक स्टार लगा हुआ है, उसके पीछे कारण ये है कि टेम्परेचर तो डेली मेजर कर सकते हैं, डेफिनेटली मैक्सिमम भी होगा कुछ ना कुछ टेम्परेचर, मिनिमम भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। अच्छा, ये मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर मेजर कैसे करेंगे, कैसे करते होंगे, कुछ आइडिया? यस, हमने बात की थी ना हीट एंड टेम्परेचर वाले चैप्टर में, हमने उसमें बात की थी दैट देयर इज ए स्पेशल थर्मोमीटर, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर दैट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर एट ए सर्टेन प्लेस। तो उसका इस्तेमाल करके दैट इज कैलकुलेटेड, दैट सॉरी मेजर्ड। और ह्यूमिडिटी की बात करें तो उसके लिए भी आजकल तो एक डिजिटल हाइग्रोमीटर आने लग गया, हाइग्रोमीटर, उससे ह्यूमिडिटी चेक कर ले जाते कि कितनी परसेंट एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो दैट इज नोन एज ह्यूमिडिटी। तो मैक्सिमम मिनिमम ह्यूमिडिटी परसेंटेज लिख दी, और लास्ट वाले में रेनफॉल। रेनफॉल में स्टार क्यों लगा हुआ, इसकी बात कर रहे थे, क्योंकि रेनफॉल हमेशा नहीं होगा, तो जिस दिन रेनफॉल होगी उस दिन न्यूज़पेपर में पब्लिश होगी उसकी रिपोर्ट, तो वो लिखनी है, हो सकता है वो पूरा ब्लैंक भी छूट जाए, बारिश हो ही ना। तो इस तरह से आपको ये पूरी टेबल कंप्लीट करनी है। इसमें जो लास्ट जो कॉलम है उसमें रेनफॉल के बारे में लिखा है, तो रेनफॉल का मेजरमेंट कैसे किया जाता है कि कितना मिलीमीटर बारिश हुई या कितना सेंटीमीटर बारिश हुई, तो इसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती है जिसका नाम है रेन गॉज। रेन गॉज बड़ी सिंपल सी डिवाइस होती है, आप फोटोग्राफ में देखिए, तो ये रेन गॉज बड़ी सिंपल डिवाइस है, इवन वी कैन प्रिपेयर इट एट आवर होम्स, हम अपने घरों पर इसको बना सकते हैं। बस उसके लिए हमें दो चीज़ चाहिए, इसमें दो ही चीज़ें लगेगी, क्या, नीचे की तरफ एक सिलेंडर लगा है जिसपे ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन मतलब उस पर निशान बने हुए हैं, ठीक है, तो वो एक मेजरिंग सिलेंडर है। लेबोरेटरी में तो एक मेजरिंग सिलेंडर के नाम से सिलेंडर डेफिनेटली होता है, और घरों में भी कई बार कुछ नापने के लिए, मिल्क के लिए ऐसा कुछ मेजरिंग सिलेंडर्स या कुछ ट्रांसपेरेंट ग्लासेस वगैरह कुछ होते हैं, तो उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक मेजरिंग सिलेंडर है और दूसरा उसके ऊपर एक लगा हुआ है कलेक्ट करने के लिए फनल, कलेक्टिंग फनल। क्या कलेक्ट करना है, रेनफॉल, बारिश का पानी। तो इस सिंपल सी डिवाइस का नाम है रेन गॉज, और इससे किसी खास जगह का जहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, वहां पर इसको ओपन प्लेस पे रख दिया जाता है, ऐसा ओपन प्लेस जहां पर उसके ऊपर कोई शेड ना हो। अगर कोई शेड हुआ तो क्या होगा, बारिश का पानी इंटरप्ट होगा ना, वहां पे आ नहीं पाएगा, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि जिस मार्क तक वो रेन उसका पानी इसमें भरा है, उस मार्क तक का लेवल देख कर वी कैन से दैट इतना सेंटीमीटर इतना मिलीमीटर बारिश हुई है, रेनफॉल कितना हुआ है। आपने जो डाटा कलेक्ट किया 7 डेज का, टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, रेनफॉल का, विंड स्पीड भी हो सकती है उसमें, तो आप ये चेक कीजिए टेम्परेचर के मामले में कि क्या एक से ज़्यादा दिन का कोई भी मैक्सिमम टेम्परेचर या मिनिमम टेम्परेचर सेम था। हो सकता है बाई चांस एक से ज़्यादा दो दिन का कोई मैच करता हो, लेकिन मोस्टली पूरे वीक के दौरान ज़्यादातर जो टेम्परेचर की जो मैक्सिमम और मिनिमम के जो मेजरमेंट है ना,
वो डिफरेंट है। क्या लगता है इससे? मतलब ये कि वेदर जो चीज है ना वो काफी फ्लक्चुएट होती है, काफी चेंज होते रहता है, वो सेम नहीं होता है। तो ये जो वेदर, इसकी डेफिनेशन क्या हुई फिर? इसकी डेफिनेशन हुई द डे टू डे कंडीशंस। डे टू डे मतलब कल कुछ और था, आज कुछ और है, कल कुछ और होगा। सो द डे टू डे कंडीशंस किसकी? ऑफ द एटमोस्फियर। एटमोस्फियर में ये सब शामिल, तो ऑफ द एटमोस्फियर एट ए प्लेस। ये अलग अलग जगहों का अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि मुंबई का जो है वही दिल्ली का है, वही कोलकाता का, वही चेन्नई का, ना। सो एट ए प्लेस इन रिस्पेक्ट ऑफ, किसके मामले में? हमने जो अलग अलग जो बात की ना मेजरमेंट की, किस किस की, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, इसमें विंड स्पीड भी हो सकती है। सो इन रिस्पेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एटसेट्रा इज नॉन एज वेदर ऑफ दैट प्लेस। तो ये वेदर की बड़ी इजी सी डेफिनेशन है। इन ये जो हमने ये वेदर ये जो हमने अलग अलग चीजों की बात की, क्या टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड एटसेट्रा, तो ये एक्चुअली क्या कहलाते हैं? ये है वेदर के एलिमेंट्स, मतलब इन चीजों से मिलकर बनता है वेदर, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट वगैरह जो भी इसके बारे में डाटा कलेक्ट करके आपको फोरकास्ट करते बताते हैं, न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होती है इनकी रिपोर्ट्स, तो वो इन सब चीजों के बेसिस पर ही वेदर को फोरकास्ट करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि भाई कैसा होगा। लेकिन बहुत डिफिकल्ट चीज होती है ना वेदर। कई बार जो लिखा होता है कि ऐसा होने वाला है, आज मौसम ऐसा रहेगा, वेदर बहुत बारिश होने वाली है, या फिर सूखा, कल दिन सूखा गुजरेगा, कई बार, लेकिन ये चीजें गलत हो जाती हैं। एक्चुअली वेदर इज ए कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन, बड़ी डिफिकल्ट है, इसको प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। कई बार आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में ब्राइट सनशाइन है, वाओ, लेकिन हुआ है कि विद इन सम मिनट्स अचानक से क्लाउड्स आ गए फ्रॉम नोवेयर, कहीं से अचानक से बादल गिर गए एंड इट स्टार्टेड पॉरिंग, बारिश होना शुरू हो गई। हुआ ना ऐसा? कभी ऐसा भी हुआ होगा कि रेनी डे था, मॉर्निंग से ही बारिश हो रही है, अचानक से क्या हुआ, बारिश रुक गई एंड ब्राइट सनशाइन खिल गई सब तरफ। ऐसा भी हुआ है, कभी आपके साथ हुआ है? कभी ऐसा भी हुआ होगा यू आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, प्ले ग्राउंड भी खेल रहे हैं, और हुआ ये कि बारिश होना शुरू हो गई है, तो उस कोने पे आपने देखा वहां तो बारिश हो रही है, आपको आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन आप जहां पर हैं वहां पे बारिश नहीं हो रही है। या ऐसा हुआ कि आप भीग रहे हैं और ग्राउंड पे दूसरे जो आपके फ्रेंड्स हैं जो खेल रहे हैं वो नहीं भीग रहे हैं, ऐसा हुआ ना? एक्चुअली दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन। इतना चेंज होता है कि कभी हम बोलते हैं यार कल तो बहुत वार्म डे था, बहुत गर्म दिन था, कभी आज तो बहुत चिपचिपा हो रहा है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी, बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी मतलब एयर में वाटर वेपर मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत जल्दी चेंज हो सकता है। ये है वेदर, काफी जल्दी बदल जाता है ना। ओके, तो हमने इसमें बात की कि मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर के लिए मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर का यूज करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि ये 24 आवर्स का जो डे है उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है और मिनिमम टेम्परेचर कब होता है? तो आपको शायद पता होगा, अदरवाइज जान लीजिए कि मैक्सिमम टेम्परेचर होता है इन द आफ्टरनून, मतलब 12 बजे के बाद, अराउंड 2 PM, और मिनिमम टेम्परेचर कब होता है? इन द अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग का मतलब 5 बजे के मॉर्निंग, 5 AM के आसपास, एग्जैक्ट 5 AM नहीं बोल सकते, आप अर्ली मॉर्निंग बोले बेस्ट, और मैक्सिमम कब होता है? इन द आफ्टरनून। तभी तो आपने देखा कि गर्मियों का जब मौसम होता है, इन द समर सीजन, क्या होता है आफ्टरनून में आपकी बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है अगर आप बाहर हैं कहीं पर, और अर्ली मॉर्निंग में वाओ इट इज सो नाइस, कितना कंफर्टेबल लगता है, कितना सूदिंग लगता है, गर्मियों की बात कर रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि आफ्टरनून में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, और इन द अर्ली मॉर्निंग टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है गर्मियों के मौसम में भी। आपके दो फ्रेंड्स है ना, एक तो है भूजो और दूसरा पहेली, तो दोनों के एक एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है भूजो का? भूजो ने पूछा कि वाई दिस वेदर इज चेंजिंग सो मच फ्रीक्वेंटली, इतना बदलता क्यों है तेजी से, कि अभी कुछ हो रहा है, कुछ मिनट्स के बाद में कुछ हो जाएगा, है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बदलता क्यों है? पहली का क्वेश्चन, वो थोड़ी इंटेलिजेंट है ज्यादा बुझो के मुकाबले, कभी कभी वैसे बुझो भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है। तो पहली का क्वेश्चन क्या है कि आखिरकार ये वेदर क्रिएट ही क्यों होता है? है ना इंटेलिजेंट क्वेश्चन, भाई कारण ही क्या है, वेदर है ही क्यों?
तो इन दोनों के क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इन सब के पीछे, इन दोनों क्वेश्चंस के पीछे या वेदर के पीछे जो कारण है वो है सन, सूर्य, सूरज। ओहो, कैसे? एक्चुअली सन क्या है? अ ह्यूज स्फेयर ऑफ गैसेस, गैसों का बहुत बड़ा सा गोला, आग का गोला। और वो गैसें कौन सी होती है पता आपको? वो गैसें होती है दो तरह की गैसें, एक है हाइड्रोजन, एक है हीलियम। ये दुनिया की सबसे लाइटेस्ट गैसेस होती हैं। तो ये हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना हुआ एक बहुत ह्यूज गोला है। बस उससे मिलने वाली हीट और लाइट वही हमारी धरती पर सब ये वेदर के चेंजेस करती है। अच्छा, पता है आपको कितना दूर है? इट इज वेरी फार फ्रॉम आवर अर्थ। सन हमारी धरती पर बहुत ज्यादा दूर है। कितना दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर। नहीं समझे? 1 मिलियन का मतलब कितना होता है? 10 लैक्स। और मैं कितना बता रहा हूं? 150 मिलियन किलोमीटर। ओ, 10 लैक नहीं, 1 10 लैक नहीं, 150 10 लैक्स। मतलब 150 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतने लाख किलोमीटर। तो 150 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है सन की। इतना डिस्टेंस होने के बाद भी इससे मिलने वाली हीट और सन है ना, वो ही कारण है हमारी धरती पर सारी ये चेंजेस के पीछे। ये जो वेदर के जो चेंजेस आते हैं उन सब के पीछे सन की लाइट है। एक्चुअली हमारी अर्थ पर कुछ ऐसी गैसेस हैं जो कि उस हीट को, सन की हीट को ट्रैप करती हैं। अगर वो गैसेस नहीं होती ना, तो जो सनलाइट आ रही है अपनी अर्थ पर वो सारी सारी वापस रिफ्लेक्ट होकर चली जाती और अर्थ कैसा हो जाता? एक कोल्ड प्लैनेट, ठंडा प्लेनेट। यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होती। बट फॉर्चुनेटली हमारी अर्थ पर कुछ गैसें हैं, उनमें जो इम्पोर्टेंट गैस है उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ओहो, आपने सुना होगा बहुत बुरी गैस है, लेकिन प्लांट्स के मामले बड़ी अच्छी होती है ना। तो ये जो CO2 गैस है जो कि बहुत कम परसेंटेज इन द एटमोसफियर है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू कैप्चर द वाट? द हीट। सनलाइट में जो हीट है उसको कैप्चर करने में। और पता है ये जो CO2 गैस है वो हीट का करीबन 70% को एब्जॉर्ब कर लेती है, केवल 30% के आसपास हुई वापस जाने देती है। अगर ये नहीं होती तो क्या होता? क्या होता? धरती कोल्ड प्लेनेट होती, जम जाती, कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं होती। इसी के अगेंस्ट एक और बात करें कि जो CO2 अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा? एब्जॉर्ब ज्यादा करेगी हीट को, सन की लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी तो क्या होगा? अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। इसके बारे में एर्थ क्लास में बात करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग, उसके कारण धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। हाँ, तो हम बात करें कि अर्थ पर जो सन की जो लाइट है वो एब्जॉर्ब होती है और रिफ्लेक्ट होती है, तो अलग अलग सर्फेसिस पर इसका अलग अलग असर होता है। जैसे कि मान लो किसी का घर है सी कोस्ट पर, समुद्र के किनारे, वहां पर वेदर अलग तरह का। किसी का घर है डेजर्ट में, रेगिस्तान में, वहां पर वो जो वेदर है वो अलग तरह का मौसम। और किसी का घर है माउंटेन्स पे, पहाड़ों पर, वहां अलग तरह का। तो इन सब के पीछे कारण कौन है? एक, द सन। आपको गर्मियों में कभी ऐसा लगा है, समर्स में गर्मियों का जब मौसम होता है तो कि आपको खेलने के लिए काफी सारा टाइम मिलता है शाम को, लेकिन सर्दियों में क्या होता है? आप इट गेट्स टू डार्क अर्ली, जल्दी से शाम को अंधेरा जल्दी हो जाता है, आपके पास खेलने का टाइम ज्यादा नहीं मिलता आपको। ऐसा होता है ना? क्यों ऐसा होता है? समर्स में एक्चुअली डे की जो लेंथ होती है वो ज्यादा बड़ी होती है, दिन बड़ा होता है, डे टाइम बड़ा होता है, और नाइट्स छोटी होती है। तो क्या होता है? दिन में टेम्परेचर पूरा ज्यादा, दिन लंबा है तो ज्यादा टेम्परेचर के कारण दिन ज्यादा गर्म हो गया तो गर्मी ज्यादा हो गई, तो वो समर सीजन की बात कर रहे हैं। और विंटर्स में क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट। विंटर में डे टाइम, डे की लेंथ छोटी है, तो उसके कारण क्या हुआ? सनलाइट के कारण जो टेम्परेचर बढ़ता उतना ज्यादा नहीं बढ़ पाता है पूरे दिन में, और रातें हैं लंबी हैं तो वो ठंडा हो जाएगा, इसलिए टेम्परेचर क्या होता है उस वक्त? कम होता है। तो विंटर्स में ऐसा होता है। हमने बात की कि जो वेदर की फोरकास्टिंग होती है, प्रडिक्शन किया जाता है, न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होता है, उसको कलेक्ट करने का काम कौन करता है? साइंटिस्ट। जैसे हमने बात की कि IMD जो हमारा है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसके साइंटिस्ट। तो जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो साइंटिस्ट होते हैं, जो वेदर की रिपोर्ट कलेक्ट करते हैं, उन साइंटिस्ट को बोलते हैं, एक स्पेशल टर्म है उनके लिए, मेट्रोलॉजिस्ट। तो मेट्रोलॉजिस्ट क्या करते हैं? वो वेदर के रिकॉर्ड्स को रखते हैं,
डेली उनको रिकॉर्ड कलेक्ट करके रखना होता है। और ये रिकॉर्ड ऐसा नहीं कि आज हमने कलेक्ट किया और कल के पेपर में पब्लिश हो गया, उसके बाद में उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दे, नहीं करते। ये कई सालों का, 25, 50, 100 ईयर्स का, इसका मतलब कई दशकों का, ऑफ मैनी डिकेड्स, 1 डिकेड का मतलब 10 ईयर्स, तो कई डिकेड्स का वेदर का डाटा वो कलेक्ट करके रखते हैं। ओके, तो इस डाटा से फिर क्या पता लगता है, ओवर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक उसका एवरेज पैटर्न, किसी एक जगह का वेदर का एक एवरेज पैटर्न कैसा है, मतलब वहां पर मोस्टली औसत रूप से कैसा टेम्परेचर रहता है, कैसा वहां पे बारिश कैसी होती है, उससे पता लगता है एवरेज वेदर का वहां पर। सो दिस एवरेज वेदर एट ए प्लेस, किसी एक जगह पर जो एवरेज वेदर है ओवर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, इज नोन एज क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस, उस जगह की क्लाइमेट कहलाती है वो। ओके, तो वेदर की अब तक हमने बात की थी, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट। तो वेदर के बारे में हमने क्या बात की थी कि वेदर अभी कुछ था, अभी कुछ और है, अभी बारिश नहीं हो रही थी, अभी अचानक बारिश होना शुरू हो गई, फिर थोड़ी देर बाद में हुआ कि बादल गरज रहे, उसके बाद में कुछ आधे घंटे के बाद में बारिश रुक गई, धूप खिल गई। तो ये तो वेदर का कमाल, जो कि विद इन सेकेंड्स चेंज हो सकता है, लेकिन क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कई दशकों तक, एवरेज जो वेदर है मतलब ये कई सालों तक, इवन कई 100 ईयर्स तक भी चेंज नहीं होती, तो इसको बोलते हैं क्लाइमेट। ओके, तो जो कुछ थोड़े समय के लिए होता है वो तो क्या है, वेदर, और लंबे समय के लिए किसी एक जगह की जो वेदर है उसको क्या बोलते हैं, क्लाइमेट। तो क्लाइमेट क्या है, वेदर ही है, लेकिन वेदर का लंबे समय तक का जो एवरेज है वो है वहां की क्लाइमेट। तो अगर हम बात करें कि किसी जगह पर पूरे साल भर ही बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल होता है, तो वहां की क्लाइमेट कैसी होगी, हम उसको बोलेंगे वेट, WET, वेट का मतलब गीला होता है, मतलब पूरे साल भर ही बारिश हो रही है तो वहां की क्लाइमेट कैसी है, वेट। हम बात करें किसी जगह की जैसे डेजर्ट है, रेगिस्तान है, तो वहां पर साल भर ही बारिश बहुत कम होती है, तो उसकी वहां की क्लाइमेट क्या बोली जाएगी, ड्राई, DRY, सूखा। इसके अलावा हो सकता है कि जो सूखा है वहां पर टेम्परेचर भी साल भर हाई ही रहता हो, तो वहां की क्लाइमेट ड्राई तो है ही, इसके अलावा और क्या हो गई, हॉट, तो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट हो गई। इसके अलावा हो सकता है किसी इसी जगह पे जहां पे टेम्परेचर साल भर ही एवरेज टेम्परेचर वो काफी कम रहता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, काफी कम का मतलब 0 डिग्री से भी अगर नीचे है तो उसको क्या बोलेंगे, कोल्ड क्लाइमेट है। तो अलग अलग तरह की क्लाइमेट्स आपने सुनी अभी, क्या हॉट, कोल्ड, वेट, ड्राई। दो सिटीज की क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में हम स्टडी करते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब वहाँ का टेम्परेचर मैक्सिमम मिनिमम कितना रहता है, वहाँ पे रेनफॉल का एवरेज क्या रहता है। तो इसके लिए हम दो सिटीज़ की बात कर रहे हैं, वो पहला सिटी है श्रीनगर, जो कि जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल सिटी है। आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर की जो समर की जो कैपिटल है गर्मियों की, वो है श्रीनगर, एंड उसकी जो विंटर सीजन में जो वहाँ की जो कैपिटल सिटी है वो हो जाती है जम्मू, है ना, वंडरफुल, दो कैपिटल सिटीज हैं। और दूसरा जो सिटी है वो है तिरुवनंतपुरम, जिसका दूसरा नाम त्रिवेंद्रम भी है, और ये है कैपिटल सिटी किसकी, केरला की, साउथ इंडिया में जो है सदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। एक तो श्रीनगर है जो कि जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल सिटी है, और J&K जो है नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, और सदर्न स्टेट, सदर्न मोस्ट कौन सा है, केरला, दोनों में एक एक सिटी की बात करते हैं। तो ये जो टेबल है एक्चुअली इसमें देखिए क्या क्या डाटा दे रखा है, कश्मीर वाले की बात करें तो मंथ्स के नाम लिखे हैं जनवरी टू दिसंबर, फिर उसमें मीन टेम्परेचर है, डेली मिनिमम कितना है, डेली मैक्सिमम कितना है, लास्ट वाले कॉलम में लिखा हुआ मीन टोटल रेनफॉल इन मिलीमीटर। तो यहाँ पे जो टोटल रेनफॉल का जो मिनिम दे रखा है ये वाला, ये या फिर हम बात करें टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, तो ये किसी मंथ का मीन टेम्परेचर निकालने का तरीका क्या है, तो उसका निकालने के तरीके में दो स्टेप्स होती हैं। तो जैसे हम बात करें जनवरी में डेली मिनिमम टेम्परेचर लिखा हुआ है -2.3 डिग्री सेल्सियस जनवरी मंथ में, यहाँ पर श्रीनगर में जनवरी के मंथ में -2.3, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि पहले तो जनवरी की जो 30 डेज हैं, ठीक है, उन 30 डेज का एवरेज निकाल लिया जाता है, मतलब 30 डेज है तो उनका जो मिनिमम टेम्परेचर है, फर्स्ट जनवरी को कुछ होता, सेकेंड को कुछ होता, थर्ड को कुछ होता, इस तरह से टोटल 31 डेज का मिनिमम टेम्परेचर कैलकुलेट कर लिया और उन सबको ऐड करके 31 से डिवाइड कर लिया तो एवरेज आ गया। तो वो एवरेज
ये अभी नहीं आया 2023, इसके बाद में क्या करते हैं, उसी तरह से बाकी कई सालों का जनवरी का मिनिमम जो डेली मिनिमम एवरेज है वो निकालते हैं और फिर उन सब का एवरेज निकालते हैं, है ना, वंडरफुल। तब क्या जाएगा, ये मीन टेम्परेचर। तो इससे हम पता लगाते हैं कि जनवरी मंथ में एवरेज टेम्परेचर श्रीनगर में ये रहता है -2.3। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे इसके बारे में। तो ये पूरे साल भर ही अगर देखें हम तो डेली मिनिमम टेम्परेचर कुछ जनवरी फरवरी में माइनस में भी चला गया है और दिसंबर में माइनस चला गया है। बाकी ये देखिए यहाँ पे जून में 14 है, अगस्त में 17.5 के आसपास, और डेली मैक्सिमम टेम्परेचर देखिए यहाँ पर, देखिए ये तो 30 भी पहुँच गया है, जनवरी और फरवरी में 4.7 के आसपास है, वो 30 है यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ, पूरे साल भर टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे तो बहुत कम है वैसे, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं गया है और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं गया है। कुछ महीने में तो बहुत ज़्यादा लो है लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर भी काफ़ी सारा। इसका मतलब ही हुआ कि कुल मिला के वो न तो बहुत ज़्यादा गर्म है श्रीनगर, न बहुत ज़्यादा ठंडा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको बोलेंगे हम मॉडरेटली हॉट। तो श्रीनगर की क्लाइमेट कैसी हो गई टेम्परेचर के मामले में, मॉडरेटली हॉट। अब हम देखें टोटल रेनफॉल, तो टोटल रेनफॉल के बारे में देखिए, यहाँ पे बारिश पूरे साल भर हर एक मंथ में हो ही रही है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल नहीं बोलेंगे लेकिन पूरे साल भर हो रही है। तो बारिश के मामले में इन द केस ऑफ रेनफॉल द क्लाइमेट इज नोन एज वेट यहाँ की। तो श्रीनगर की जो टोटल क्लाइमेट को हम क्या बोलेंगे, मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट। अब बात करते हैं सेकेंड सिटी जो कि कौन सा है, तिरुवनंतपुरम। वहाँ पे देखिए जो मेन टेम्परेचर है वो 22 से शुरू करके जनवरी से लेकर दिसंबर में भी 22, पूरे साल भर करीब करीब वही है, और मैक्सिमम टेम्परेचर वो भी 31 के आसपास से लेकर 31 के आसपास है। तो ये काफ़ी टेम्परेचर हो गया, कम तो हो ही नहीं रहा बिल्कुल भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एवरेज टेम्परेचर हुआ यहाँ का मेन टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा गर्म है। तो यहाँ की क्लाइमेट टेम्परेचर के मामले में तो कैसे हो गई, हॉट। और दूसरा जो रेनफॉल के बारे में बात करें तो ये देखिए रेनफॉल 2-3 महीने में तो काफ़ी कम है लेकिन पूरे साल भर ही बहुत ज़्यादा बारिश है। तो ये इसके मामले क्या हो गया, ये वेट। तो यहाँ की ओवरऑल जो क्लाइमेट है केरला की, तिरुवनंतपुरम जो सिटी उसकी कैसी हो गई, ये तो हॉट टेम्परेचर के मामले में, और दूसरा तो बारिश के मामले में कैसी होगी, वेट। तो हॉट एंड वेट। नॉर्थ इंडिया की बात कर ली, साउथ इंडिया की बात कर ली, अब हम बात करते हैं दो और डायरेक्शंस की, एक वेस्ट इंडिया की और एक ईस्ट इंडिया की। तो वेस्ट इंडिया की बात करें तो वेस्टर्न जो अपना स्टेट है वो है राजस्थान। सो अगर राजस्थान की क्लाइमेट के बारे में बात की जाए, सो मोस्ट ऑफ द मंथ्स इन द ईयर वहां पे टेम्परेचर हाई रहता है, ओके, एवरेज टेम्परेचर साल भर ही ज्यादा रहता है। इसका मतलब वहां की क्लाइमेट कैसे हो गई, हॉट। एक्चुअली जो विंटर जो सीजन होता है उस वक्त 2-3 महीने छोटा ही होता है, ज़्यादा नहीं होता, लेकिन तब टेम्परेचर बहुत लो चले जाता है। लेकिन अगर ऑन एन एवरेज पूरे साल भर की बात करें तो टेम्परेचर इज वेरी वेरी हाई, सो द क्लाइमेट इज हॉट। बारिश की बात करें तो थ्रू आउट द ईयर पूरे साल भर ही रेन इज वेरी वेरी लेस, बहुत कम बारिश होती है। तो वाटर के मामले में कौन सा कैसा हो गया, वहाँ की क्लाइमेट हो गई ड्राई। तो राजस्थान की जो क्लाइमेट को हम क्या बोलेंगे, हॉट एंड ड्राई। अब हम चलें नॉर्थ ईस्ट में, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर स्टेट्स है वहाँ की अगर बात करें तो पता है वहाँ पर पूरे साल भर ही बारिश होती रहती है, कहीं तो टेम्परेचर बहुत कम होता है, कहीं पर तो बर्फ भी जमी होती है, और ऑन एन एवरेज टेम्परेचर की अगर तो बात करें तो टेम्परेचर मॉडरेट रहता है लेकिन वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ की क्लाइमेट कैसी होगी, बारिश के मामले कैसे होगी, वेट, और टेम्परेचर के मामले कैसे होगी, मॉडरेटली हॉट, मतलब बहुत ज़्यादा हॉट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कोल्ड भी नहीं है। तो मॉडरेटली हॉट एंड वेट कहाँ की क्लाइमेट होगी, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया की। क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो एनिमल्स रहते हैं ना उनकी बॉडी में भी कुछ चेंजेस होने चाहिए, क्योंकि हर तरह के क्लाइमेट में हर तरह का एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जैसे मान हम बात करें हॉट डेजर्ट की बात करें, हॉट क्लाइमेट जहाँ पर है वहाँ के एनिमल्स की बॉडी में कुछ खास फीचर्स होने चाहिए जिससे कि वो वहाँ पर रह पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे। उसी तरह से अगर कहीं पर टेम्परेचर बहुत कम है, कोल्ड डेजर्ट है या कोल्ड जहाँ क्लाइमेट है, वहाँ के एनिमल्स में कुछ खास डिफरेंट फीचर्स होने चाहिए जो उनको वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए योग्य बनाए। तो एनिमल्स में
अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस आते हैं. एंड इन क्लास सिक्स ऑलरेडी वी हैव स्टडीड दो चेंजेस. व्हाट इज द नेम ऑफ दो चेंजेस डू यू नो? एडेप्टेशन. सो व्हाट इज एडेप्टेशन? एडेप्टेशन इज द चेंजेस, और वी कैन से द चेंजेस इन द हैबिट्स एंड प्रेजेंस ऑफ फीचर्स. उनके कुछ फीचर्स उनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और उनकी कुछ हैबिट्स जो उसके उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उनको रहने लायक बनाती है. सो द प्रेजेंस ऑफ हैबिट्स एंड प्रेजेंस ऑफ फीचर्स, ये दोनों बातें शामिल होगी. सो द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल फीचर्स एंड हैबिट्स इन एनिमल्स टू मेक देम सर्वाइव इन डिफरेंट क्लाइमेट्स इज नोन एज क्या है? एडेप्टेशन. तो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह के एडेप्टेशन पाए जाते हैं. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द एडेप्टेशन. क्लास सिक्स में हमने कुछ पढ़े थे. नाउ वी विल टॉक अबाउट ओनली टू क्लाइमेटिक कंडीशंस, दो तरह की क्लाइमेट, क्योंकि हमने क्लाइमेट पढ़ लिया. तो क्लाइमेट के बेसिस पर हम दो तरह की क्लाइमेट्स में पाए जाने वाले एनिमल्स एंड द एडेप्टेशन फाउंड इन दोज एनिमल्स, वी विल टॉक अबाउट दीज. ये दो जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कंडीशन है, पहली तो है पोलर रीजन. पोलर रीजन आपने नाम सुना पोल्स का, तो उससे बना है पोलर रीजन. और दूसरा है वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला रीजन. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपने ट्रॉपिक्स का नाम सुना होगा. पहला जो है वो है पोलर रीजन. तो पोलर रीजन कौन सा? अपनी अर्थ, द अर्थ इज हैविंग टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो जो नॉर्थ पोल है वहां की जो कंट्रीज है, और साउथ पोल है वहां तो कंट्री तो कोई है नहीं साउथ पोल पे, तो क्योंकि वहां पे कोई रहता नहीं है. तो साउथ पोल पे और नॉर्थ पोल पर, इन दोनों ही जगहों पर जो क्लाइमेट है वो कैसी है? एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ज्यादा कोल्ड. साल भर ही 0 डिग्री से टेम्परेचर नीचे रहता है, उसको कोल्ड भी नहीं बोलेंगे. क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम कोल्ड. एक्सट्रीम कोल्ड. तो यहाँ पे पाए जाने जो एनिमल्स हैं उन एनिमल्स में कौन कौन से एडेप्टेशन होते हैं इनके बारे में बात करेंगे. तो अगर हम पोलर कंट्रीज की बात करें तो इनमें कुछ कंट्री की हम बात करें, नॉर्थ पोल की बात करेंगे. साउथ पोल में तो कोई कंट्री है नहीं, तो नॉर्थ पोल में इसमें कुछ कंट्रीज की बात करें तो इसमें रशिया, कनाडा, अलास्का, यूएसए का, डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, ऐसे कुछ कंट्रीज हैं. और अब हम बात करें दूसरा जो रीजन जिसकी बात करेंगे, क्लाइमेटिक रीजन, जहाँ के एनिमल्स के बारे में बात करेंगे एडेप्टेशन के बारे में. सो दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. तो अगर हम अपनी धरती की बात करें तो धरती पर, धरती को टू इक्वल पार्ट्स में बांटा जाता है स्टडी के लिए. रियल में बांटी थोड़ी कि काट के एप्पल की तरह अलग कर दिया. तो दो पार्ट्स हैं, एक ऊपर वाला आधा पार्ट, एक नीचे वाला आधा पार्ट. तो ऊपर वाला जो आधा पार्ट है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. पूरा एक गोला है उसको तो क्या बोलते हैं? स्फीयर, एस पी एच ई आर ई, स्फीयर मतलब गोला. अब ये जो गोला है पूरा, उसके दो पार्ट हो गए, एक ऊपर वाला आधा गोला और एक यहां से नीचे वाला आधा गोला. तो ऊपर वाला जो आधा गोला है उसको बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन में है. और नीचे वाला जो है वो, क्योंकि वो नॉर्थ पोल की तरफ है, और नीचे वाला जो है वो साउथ पोल की तरफ है, इसलिए उसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर. हेमी का मतलब क्या होता है? हाफ, आधा. अब जो बीच वाली जो लाइन, इनको एक जो लैटिट्यूड है, आपने लैटिट्यूड ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, तो जो सबसे बड़ा लैटिट्यूड अर्थ के ऊपर होता है उसका नाम क्या है पता आपको? इक्वेटर. ये इक्वेटर क्यों नाम है इसका? क्योंकि ये अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में बांटता है, इसलिए इसका नाम है इक्वेटर. तो बीचों बीचों लाइन जा रही है 0 डिग्री वाली, ठीक है? कौन सी वाली? हॉरिजॉन्टल, ऊपर से नीचे वाली नहीं है, ये वाली लेफ्ट टू राइट वाली हॉरिजॉन्टल लाइन. तो इसका नाम है इक्वेटर. इस इक्वेटर के दोनों तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ भी साउथ पोल की तरफ भी, दो और स्पेशल लाइन्स होती हैं, दो स्पेशल लैटिट्यूड्स होते हैं. हम आल्टीट्यूड की बात नहीं कर रहे, हम लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं. तो इस सेंटर वाली जो 0 डिग्री वाली है, आप यहां पर भी देख सकते हैं उसमें, तो उसमें जो ऊपर वाली जो लाइन, उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो नॉर्थ पोल की तरफ है. और नीचे वाला ट्रॉपिक, उसका नाम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इन दोनों ट्रॉपिक्स के बीच वाला जो स्पेस है, यहां वाला इस एरिया है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक्स. और यहां जो प्लांट्स होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, उनको बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. तो इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, बारिश के जंगलों में, बारिश भी खूब होती है इन जंगलों के अंदर, तो इन जंगलों में, इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले एनिमल्स में, उनकी बॉडी में कौन कौन से एडेप्टेशन होते हैं जो यहाँ की इस बारिश वाली क्लाइमेट में रहने के लिए, उनको सर्वाइव करने के लिए
लायक बनाते हैं सर्वाइव करने के लिए. सो दो चेंजेस, व्हाट आर दोज, उनके बारे में हम बात करेंगे. तो इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले एरियाज की अगर कुछ कंट्री की बात करें तो इसमें अपना इंडिया भी शामिल है, इंडोनेशिया, इसके अलावा हम बात करें साउथ जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके भी इसमें कुछ कंट्रीज शामिल है जैसे उगांडा एटसेट्रा. तो इनके बारे में हम बात करेंगे, दोनों के बारे में अलग अलग. पहली एक्सट्रीम क्लाइमेट जिसकी हम बात करेंगे उसका नाम है द पोलर रीजन्स. पोलर रीजन जैसे कि हमने नाम से समझते हैं, पोल्स पे, नॉर्थ पोल पे एंड साउथ पोल पे ऑफ द अर्थ. तो वहां पर हॉल ऑफ द ईयर, पूरे साल भर टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है. सो क्लाइमेट इज वेरी वेरी कोल्ड, और इतनी ज्यादा कोल्ड कि कई बार तो साल वहां पर विंटर में -37 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे टेम्परेचर चला जाता है. मतलब टू मच कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड. और आपको पता है पोल्स पर 6 मंथ की नाइट और 6 मंथ का ही डे होता है. इसके पीछे कारण पता है आपको क्या है? इसके पीछे कारण ये है दैट आवर अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस. अपनी अर्थ है ना, वो अपनी एक्सिस थोड़ी सी झुकी हुई है इस तरह से, ऐसे स्ट्रेट नहीं है, वो झुकी हुई है. इसका मतलब क्या हुआ, जो ये वाला जो एरिया है नॉर्थ पोल वाला और ये वाला जो एरिया है साउथ पोल वाला, वो अर्थ जो सनलाइट आ रही है उस सनलाइट के कारण ये यहाँ पर, ये वाला एरिया क्या रहेगा, 6 महीने तक इस पर लाइट ही रहेगी, ठीक है. और इस पर 6 महीने तक लाइट गिरेगी नहीं क्योंकि थोड़ा सा पीछे की तरफ चला गया है, ठीक है. इस झुकाव के कारण अपनी एक्सिस पर ये 23.5 डिग्री टिल्टेड है अपनी अर्थ, इसलिए ऐसा होता है. तो इसके कारण टेम्परेचर एक्सट्रीम कोल्ड है वहाँ पर, और इसके कारण वहाँ पर पाए जाने एनिमल्स उसके उनकी बॉडी में कौन कौन से एडेप्टेशन है, वी विल टॉक अबाउट दोज एडेप्टेशन. सो ये दो एनिमल्स हैं, वो हैं एक तो है पेंगुइन और दूसरा है पोलर बेयर. पेंगुइन के एडेप्टेशन की पहले बात कर लें, लेकिन उसके पहले एक बात करेंगे, पोलर रीजन में हमने बात करी कि 6 मंथ्स के लिए डे होता है और 6 मंथ्स की नाइट होती है. तो जब 6 मंथ की नाइट होती है ना, तो जब 6 मंथ्स में जो डे टाइम की बात करें 24 आवर्स का, उसमें जो 12 आवर्स होते हैं एक्चुअली जो नाइट टाइम वाले, तो वो तब तो बिल्कुल क्लियर वहाँ पे डार्क होता है, लेकिन जो 12 जो आवर्स डे टाइम वाले होते हैं उनमें कंप्लीट डार्क नहीं होता, जैसे कि पूरी की पूरी नाइट हो जाए, नहीं, उस वक्त ट्विलाइट होती है. ट्विलाइट का मतलब शाम को जो हल्का सा उजाला हल्का सा अंधेरा होता है ना, वैसा वाला. तो वैसी वाली कंडीशन होती है वहाँ पर 6 मंथ्स तक जब डे टाइम होता है. मतलब जो 6 महीने की जो रात है उसमें से भी जो दिन का वक्त होता है 24 आवर्स में, तो दिन वाला जो पीरियड निकालें तो उसमें कंप्लीट डार्क नहीं होता. ओके, अब हम बात करेंगे इसके बारे में. फर्स्ट जो एनिमल है जिसको पेंगुइन, उसके बारे में बात करते हैं. तो पेंगुइन की बॉडी में कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि उसको वहाँ पर रहने के लायक बनाते हैं, तो एडेप्टेशन की बात करेंगे. तो एक्चुअली एक्सट्रीम कोल्ड में रहता है, तो यहाँ पर मेन फूड जो उसको खाना है वो क्या है, उसका फिश, ठीक है. तो उसके अलग अलग फीचर्स जो उसको रहने के लायक बनाते हैं, पहला एडेप्टेशन, इसका कलर ब्लैक एंड वाइट दोनों ही होता है, ठीक है. और आइस का कलर कैसा होता है जहाँ पर ये रह रहा है, कैसा है बैकग्राउंड, वाइट, आइस एंड स्नो दोनों बैकग्राउंड वाइट है. तो ये उस बैकग्राउंड में अपने आप को मर्ज कर लेता है, तो नज़र नहीं आता. नज़र नहीं आने का फ़ायदा क्या हुआ, इसके जो प्रे हैं और इसके जो प्रीडेटर्स हैं दोनों से ही, दोनों को नज़र नहीं आएगा. तो जो इसके प्रे हैं उनको एक खा लेगा, कौन, फिश, वैसे उनको तो पकड़ के खाना इसको. दूसरा, इसके प्रीडेटर्स को एक्चुअली ये नज़र नहीं आएगा. दूसरा, इसका एडेप्टेशन दैट इज इसकी जो स्किन है वो थिक है, थिक स्किन, और उस स्किन के नीचे की तरफ फैट की एक लेयर होती है जो इसको किससे बचाती है, एक्सट्रीम कोल्ड से, प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड. नेक्स्ट एडेप्टेशन नंबर 3 की बात करें तो ये एक्चुअली खूब सारे इकट्ठे एक साथ होते हैं. आपने फोटोग्राफ देखे हैं इसके, तो उन फोटोग्राफ में क्या होता है, इकट्ठे एक साथ खूब सारे रहते हैं हडल में. हडल मतलब खूब सारे क्रिकेटर को आपने देखा कि जब वो कोई विकेट उड़ता है विपक्षी टीम का तो क्या करते हैं, इकट्ठे एक साथ ग्रुप में खड़े होते हैं ना, उसको बोलते हैं हडल. तो ये हडल बना के रखते हैं. आपने कभी देखा ये सर्दियों के मौसम में खूब सारे लोग, या किसी भी मौसम में, इन एनी वेदर, किसी भी मौसम में जब एक साथ एक कमरे में खूब सारे लोग हो जाते हैं तो क्या होता है, आपकी फैमिली में कोई प्रोग्राम होता है तब क्या होता है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है. तो इसी तरह से ये जब हडल्स में रहते हैं तो इनसे हडल से इसको क्या मिलती है, उनको वार्मथ मिलती है. और ये इनकी, इनका फीचर नहीं हुआ, ये इनकी क्या हुई, हैबिट हुई. तो हैबिट भी क्या होती है, एडेप्टेशन में शामिल होती है. लास्ट एडेप्टेशन की बात करें तो इनकी जो बॉडी है वो कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड. इस स्ट्रीमलाइंड बॉडी के बारे में हम क्लास 6 में ही पढ़ चुके हैं,
तो ये स्ट्रीमलाइन बॉडी होने के कारण ये एक बहुत अच्छे स्विमर का स्विमर भी है, अच्छे स्विमिंग कर लेते पानी के अंदर। स्विमिंग क्यों करते हैं? फिश के लिए ना, फिश खानी है इनको। इनके विंग्स जो हैं फ्लिपर जैसे हैं, इनको तैरने में हेल्प करते हैं। और इनके जो पैर हैं वो कैसे हैं? वेब्ड, जाल वाले, तो इससे इनको तैरने में इजी रहता है। तो ये है एडेप्टेशन पेंगुइन्स के। सेकंड जो एनिमल है पोलर रीजन का जिसके एडेप्टेशन के बारे में बात करेंगे वो है पोलर बेयर। तो पोलर बेयर को आपने देखा होगा कि स्विमिंग भी बड़ा अच्छे से कर लेता है ये, ठीक है। इसके जो पॉज हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ये इसकी बॉडी में जो फीचर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो ये फ्लो चार्ट आपको दिख रहा है, फ्लो चार्ट में इसके अलग अलग फीचर्स को बताया गया है, तो उनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला, द वाइट फर इज नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। इसका कलर कैसा है? फर का वाइट, और उसका बैकग्राउंड कैसा है? आइस वाला, बर्फ वाला, वो भी वाइट। तो बैकग्राउंड में इजीली नजर नहीं आता है। इसका फायदा क्या हुआ कि इसके प्रीडेटर और प्रेस को भी नहीं देख पाएगी, जैसे कि हमने पेंगुइन के बारे में बात की थी। तो दोनों से छुपेगा, एक को मारेगा और एक से बच जाएगा। कभी कभी तो, लेकिन कभी ना कभी तो इनको लेकिन अपोजिट कंडीशन में आना ही ना बेचारे को। दूसरा फीचर देखिए, इट हैज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। स्मेल करने की कैपेसिटी इनकी बड़ी अच्छी होती है। तो इससे क्या हो गया, इट हेल्प द बेयर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे। अपने शिकार को ढूंढना बड़ा इजी होगा ना इनके लिए, सूंघ लेंगे। आपने कुछ मूवीज में, कार्टून मूवीज देखा होगा ना, इनकी नाक कितनी तेज होती है। नेक्स्ट इनका जो एडेप्टिव फीचर है वो है, इट हैज ए लॉन्ग कर्ड एंड शार्प क्लॉज। बड़े लंबे और शार्प तीखे इनके क्लॉज होते हैं, पंजे होते हैं। तो इनसे फायदा क्या हुआ, दीज हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस। आइस पे चलने में हेल्प मिलती है। आपने देखा कि कुछ लोग आइस पे चलेंगे, कुछ लोगों को माउंटेनियर्स को गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, लेकिन इसके क्लॉज है ना वो इनको फिसलने से बचाते हैं। इसके अलावा पता है आपको, ये पानी के अंदर भी कई घंटों तक स्विमिंग करते रह सकते हैं, पानी के अंदर, अंडर वाटर जाकर। कैसे? एक्चुअली इनके पास एक स्पेशल कैपेसिटी होती है, ये अपने नोस्ट्रिल्स को बंद कर लेते हैं और स्विमिंग करते रहते हैं, मतलब ऑक्सीजन को स्टोर कर लेते हैं कुछ समय के लिए, तब तक अंदर स्विमिंग कर सकते हैं। वाओ। नेक्स्ट फीचर देखिए एडेप्टेशन का इसका, इट हैज ए लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन। स्किन के नीचे फैट की एक लेयर है, तो फैट की लेयर मतलब चर्बी की लेयर। तो उसमें क्या होगा, फैट क्या करेगा, इंसुलेशन का काम करेगा। इंसुलेशन का मतलब हीट को आने जाने नहीं देगा, ना अपनी बॉडी की हीट को बाहर जाने देगा ये फैट की लेयर, ना बाहर की ठंडी कोल्ड एयर को कॉन्टेक्ट में इसके आने देगा। द फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप्स इट वार्म, तो इसको गर्म रखेगी ये फैट की लेयर। और लास्ट फीचर है, इट हैज टू थिक लेयर्स ऑफ फर। जो बाहर जो फर दिख रहा ना वो डबल कोट है, सिंगल कोट नहीं। आपने डॉग्स में नाम सुना होगा सिंगल कोट, डबल कोट, तो डबल कोटेड वाला इसका फर होता है। तो डबल कोट वाले के फर के कारण क्या हुआ, दो लेयर है। हमने बात की थी कि कंबल के बारे में कि एक सिंगल कंबल ब्लैंकेट ज्यादा अच्छी कि दो पतली ब्लैंकेट ज्यादा अच्छी, दो ब्लैंकेट, उसी तरह से इसके पास भी दो ब्लैंकेट है, तो ये ज्यादा इंसुलेटेड रहता है। दीज कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर। तो ये है फीचर्स किसके, पोलर बेयर के। एक्चुअली इसका जो इंसुलेशन की कैपेसिटी इतनी बढ़िया होती है कि वो इतना ज़्यादा उसको वार्म्थ देती, गर्मी दे देती है, इसकी जो फैट की लेयर और जो डबल कोटेड इसकी लेयर है फर की, कि उसको अपने आप को ठंडा करना पड़ता है। उसके लिए उसको घंटों स्विमिंग करनी पड़ती है। ओहो, इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है ना अजीब बात। तो पोलर रीजन में इन दोनों एनिमल्स के तो मेन फीचर्स की बात कर ली, इसके अलावा और भी एनिमल्स होते हैं, जैसे कि इसके बारे में बात करें, फिश तो होती है डेफिनेटली, मस्क ऑक्सन होता है, रेनडियर्स, फॉक्सेस, सील्स, व्हेल्स एंड सम बर्ड्स आर आल्सो देयर। और कहाँ चले जाएंगे ये, ऐसी जगह पे चले जाएंगे टेम्पररीली, हमेशा के लिए नहीं जाएंगे, टेम्पररीली ऐसी जगह पे चले जाएंगे जहां पे टेम्परेचर कैसा होगा, वार्म होगा। जैसे कि आपने नाम सुना होगा साइबेरियन क्रेन के बारे में, तो साइबेरियन क्रेन एक बर्ड है जो कि रशिया के साइबेरिया वाली जगह पे पाया जाता है। नाउ इन साइबेरिया दैट इज ए पोलर रीजन, एंड जब पोलर रीजन में भी वहां पे विंटर सीजन आता है तो टेम्परेचर बहुत नीचे चले जाता है, तो फिर उनका वहां पे रहना पॉसिबल नहीं होता है, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो
तो नेचुरली वो वहां से फ्लाइट करके कहाँ जाते हैं, इंडिया में आ जाते हैं, वॉर्म प्लेसेस इंडिया। साइबेरिया से इंडिया की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो आप सोचिए हजारों किलोमीटर, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, इवन मोर देन 15,000 किलोमीटर्स की वो ट्रैवल करके एयर फ्लाइट से आते हैं, खुद की फ्लाइट से, मतलब एरोप्लेन में बैठ के नहीं आते। तो इतनी बड़ी बड़ी लंबी फ्लाइट्स करके वो आ जाते हैं कहाँ पर, हॉट एरियाज में, वार्मर एरियाज में। तो वो वहां तो सर्वाइव नहीं कर पाते साइबेरिया में, तो वो यहाँ आ जाते हैं इंडिया में। तो इंडिया में इसके लिए तीन प्लेसेस इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक है राजस्थान का भरतपुर, जहाँ पे बर्ड सेंचुरी भी है, एक तो वहां पर आते हैं। कौन आते हैं, साइबेरियन क्रेन की बात कर रहे हैं जो कि बर्ड्स। दूसरे वाला है सुल्तानपुर सेंचुरी जो कि हरियाणा में है, और थर्ड है इंडिया की जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है ना, वहां पर हमने बात की कि वहां पर साल भर ही बारिश बहुत ज्यादा होती है, वहां पे वेट है क्लाइमेट, तो वहां कई जगह पे वेट लैंड्स बन गई है। वेट लैंड्स का मतलब जो वाटर बॉडी का वाटर है ना, वो सॉइल जो लैंड सरफेस है वहां पर भर गया, लो लाइंग एरिया में पानी भर जाता है, तो ये वेटलैंड्स कहलाते हैं। मतलब जहाँ पे साल भर या तो पानी भरा रहता है या साल के ज्यादातर टाइम पर पानी भर जाता है वहां पर, तो ऐसी जगह कैसे हो, दलदली जगह हो जाती है, मार्शी लैंड्स। तो उन जगहों पे भी ये साइबेरियन क्रेन्स आते हैं। तो ये केवल कुछ समय के लिए आते हैं, कब, जब इनके नेटिव प्लेस पर, मतलब साइबेरिया की बात करें जैसे, तो वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा नीचे चला गया, वहां विंटर का सीजन आ गया है, तो वहां पर ये फेवरेबल कंडीशन नहीं है, और वो हॉट एरियाज में आ जाएंगे जहां की फेवरेबल कंडीशन है। सो दिस प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस ट्रेवल टू अनदर प्लेस फॉर ए स्पेशल टाइम ओनली एंड दे कम बैक अगेन इन द फेवरेबल कंडीशन इज नोन एज माइग्रेशन। तो मतलब कुछ समय के लिए गए हैं, जब कोल्ड क्लाइमेट ज्यादा हो गया यहाँ पर, तो क्या हुआ, वो चले गए वार्मर प्लेस पे, फिर वापस जो नॉर्मल सीजन आया तो वापस चले जाएंगे। तो पता कैसे लगता है इनको कि राजस्थान कहाँ है, हर साल वहीं क्यों आते हैं, है ना वंडरफुल चीज। तो इसके बारे में एक्चुअली ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ वो ये जो माइग्रेशन, ये प्रोसेस माइग्रेशन वाली, इसमें जो बर्ड्स माइग्रेशन करके जाते हैं उनको बोलेंगे माइग्रेटरी बर्ड्स, मतलब कुछ समय के लिए जाते हैं फिर वापस अपनी जगह पे चले जाएंगे। तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स एक्चुअली अप हाई इन द एयर उड़ते हैं, पहली बात तो वेरी हाई, जहां पे टेम्परेचर काफी कम होता है, तो वहां पे विंड की जो स्पीड है एक्चुअली उसके कारण उनको हेल्प मिलती है उड़ने में, और दूसरा वहां पे टेम्परेचर भी कम होता है। हम अर्थ से जितना ऊपर जाएंगे टेम्परेचर उतना ही कम होते जाएगा, ठीक है, क्योंकि एयर कम होती जाएगी, तो टेम्परेचर कम होगा। तो टेम्परेचर कम होगा तो आपने शायद कभी ये फील किया हो कि सर्दियों में आपको ज्यादा खेलने में प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन गर्मियों में आप थोड़ा भी खेल लिए तो आपको प्रॉब्लम होने लग जाएगी, थक जाएंगे। तो हाई अप, हाई इन द एयर, जब ज्यादा ऊंचाई पे उड़ते हैं वहां पे टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि एयर कम होती है, तो वो कम एयर में उड़ने में भी आसानी है उनके लिए, और टेम्परेचर कम होने के कारण उनको जो उनकी जो हीट एनर्जी है वो भी ज्यादा, उनका लॉस नहीं हो रहा है, तो वो कई दिनों का ट्रेवल करके वो आ जाते हैं यहाँ पर। और जब जहाँ यहाँ फिर कंडीशन उनके लिए ज्यादा खराब हो जाती है, मतलब यहाँ जब गर्मियां आती हैं तो क्या होता है, वहां पर उनके रशिया में क्या आ चुकी है, नॉर्मल वाली गर्मियां, मतलब सर्दियां हैं लेकिन उनके हिसाब से ठीक है, तो वापस चले जाते हैं। तो उनको डायरेक्शन का पता कैसे लगेगा, एक्चुअली इसके बारे में कोई फिक्स्ड रीजन तो नहीं है, लेकिन हो सकता है दे फाइंड द डायरेक्शन बाय द सन इन द डे टाइम एंड बाई द स्टार्स इन द नाइट टाइम। ओके, एक्चुअली उनमें सेंस का डायरेक्शन होता है, इनबिल्ट सेंस, जिस तरह से आपने आपके मोबाइल फोन पे क्या है, जीपीएस के थ्रू आप किसी भी जगह को तलाश लेते हो, आप कहीं जाते हो अपने मोबाइल फोन का जीपीएस ऑन करके आप डायरेक्शन ढूंढ लेते हो ना, तो उनकी बॉडी में भी ऐसा कुछ इनबिल्ट सिस्टम होता है जिसके थ्रू वो डायरेक्शन का पता लगाते हैं। इसमें कुछ पहाड़ियाँ, कुछ लैंडमार्क, जमीन के एरियाज, इनसे भी उनको हेल्प मिलती है। तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स इस तरह से वापस अपनी जगह पे चले जाते हैं। लेकिन बर्ड्स के अलावा कुछ और एनिमल्स भी होते हैं जो कि माइग्रेशन करते हैं, जैसे कि हम बात करें इंसेक्ट्स, जैसे कुछ बटरफ्लाईज, ओके, वो भी करती हैं, कुछ मैमल्स भी माइग्रेशन करते हैं। मैमल्स का मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ऐसे मैमल्स। तो इसमें जैसे कि व्हेल की बात करें, व्हेल, यस, व्हेल भी करती है माइग्रेशन। कुछ शार्क्स हैं वो भी माइग्रेशन करती हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं कुछ समय के लिए। सेकेंड जो एक्सट्रीम क्लाइमेट की बात करनी है हमें इस चैप्टर में, वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाली। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ पर होता है एक्चुअली, वो अपने अर्थ के इक्वेटर के दोनों तरफ
23.5 डिग्री ऊपर की तरफ, 23.5 डिग्री नीचे की तरफ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाली। तो ये जो एरिया है ट्रॉपिक्स वाला, यहाँ पर टेम्परेचर क्योंकि साल भर ही ज़्यादा रहता है, यहाँ पर अर्थ पर, इस पार्ट के अर्थ पर एक्चुअली द सन रेज ऑफ द सन एक्चुअली दे फॉल स्ट्रेट, सीधे गिरती हैं, इसलिए क्या है टेम्परेचर यहाँ पे साल भर ही ज़्यादा होता है। इवन जब यहाँ पे विंटर सीजन होता है तब भी टेम्परेचर 15 डिग्री के आसपास रहता है, उससे ज़्यादा नहीं नीचे जाता, और जब समर सीजन होता है तब तो 40, 45, 50 भी चले जाता है। इसका मतलब यहाँ की क्लाइमेट कैसे हो गई, एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म। और दूसरी खास बात यहाँ की क्या है, यहाँ पर रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा हैवी होता है। सो हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल के कारण क्लाइमेट कैसी हो गई, ह्यूमिड और वेट। तो क्लाइमेट दोनों मिलाकर क्या हो गई, हॉट एंड ह्यूमिड या हॉट एंड वेट। अब बारिश ज़्यादा होती है इसके कारण यहाँ की खास बात क्या हो गई है, प्लांट्स का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं। तो उन प्लांट्स के जो फॉरेस्ट बन गए यहाँ पर, उन फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल तो ट्रॉपिक्स वाला एरिया, रेन फॉरेस्ट बारिश ज़्यादा होती है उसके कारण फॉरेस्ट का डेवलपमेंट, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वैरायटी ऑफ एनिमल्स और वैरायटी ऑफ प्लांट्स बहुत ज़्यादा होता है। तो इस एरिया में रहने वाले प्लांट्स एनिमल्स के बारे में, हमें केवल एनिमल्स के बारे में बात करनी है, तो यहाँ पे एनिमल्स की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर एप्स, मंकीज, गोरिल्लाज, टाइगर, एलिफेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नेक्स, बर्ड्स, इसके अलावा लिजर्ड्स और इंसेक्ट्स, तो बहुत इनकी ग्रोथ होती है। तो इनमें से कुछ के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करें ट्रॉपिकल जो एरिया होता है, एक्चुअली यहाँ पर दिन और रात की जो लेंथ होती है वो भी करीब करीब बराबर होती है साल भर ही, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं होता है। तो हम बात करते हैं डिफरेंट एनिमल्स और उनके एडेप्टेशंस के बारे में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात की कि ये लोकेशन क्या है अपने अर्थ के ऊपर, तो अगर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में बात करें तो इंडिया में कहाँ है, इंडिया में है ये वेस्टर्न घाट पर, जो इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है, सी कोस्ट, उसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं। और इसके अलावा हम बात करें असम में, इंडिया का जो ईस्टर्न स्टेट है असम, वहाँ पर ही ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसके अलावा दूसरी कंट्रीज की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया में, सेंट्रल अमेरिका और सेंट्रल अफ्रीका वाले पार्ट से, यहाँ पर भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए एनिमल्स की जो नंबर है, पॉपुलेशन, वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, क्योंकि सबको फूड मिल जाता है इसलिए। और वो क्योंकि नंबर ज़्यादा एनिमल्स का, इसका मतलब उनमें आपस में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो बचने के लिए और मारने के लिए, मतलब एक दूसरे एनिमल्स से कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा, उसके लिए इनमें कुछ खास फीचर्स होते हैं। तो पहले बात करते हैं कुछ जनरल फीचर्स के बारे में, जैसे कि इनका स्किन कलर। तो इनका स्किन कलर ज़्यादातर एनिमल्स का, इन एनिमल्स का ऐसा होता है जो कि उनको छुपा लेता है सराउंडिंग के अंदर, तो इसको बोलते हैं कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब उनका कलर ऐसा होता है जो बैकग्राउंड में वो नजर नहीं आते। आपने आर्मी के जवान्स को देखा होगा, सोल्जर्स को देखा होगा, उनकी यूनिफॉर्म को, जो कि जो वॉर एरिया होते हैं वहां पर, वो उनकी यूनिफॉर्म उनको छुपा लेती है, कैमोफ्लेज कर लेती है। तो उसी तरह से इन एनिमल्स की स्किन का कलर भी कैमोफ्लेज वाला होता है, जो कि उनको अपने प्रे या प्रेडेटर से छुपा लेता है सराउंडिंग में। प्रे का मतलब इनका शिकार, प्रेडेटर मतलब इनका शिकारी जो इनको खा सकता है। सेकेंड जो फीचर है अडेप्टेशन इनमें होता है, वो रनिंग वेरी फास्ट, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, दोनों ही चीजों के लिए, प्रे को पकड़ने के लिए, प्रेडेटर से बचने के लिए। थर्ड जो अडेप्टेशन है उसकी बात करें तो इनमें ट्रंक होता है या टस्क होते हैं, बड़े बड़े लार्ज ईयर्स होते हैं, फीट होते हैं, बड़े बड़े पैर होते हैं, तो ये अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग फीचर होते हैं। नेक्स्ट फीचर है आई साइट, वो शार्प होती है, बहुत तेज आई साइट होती है। सेंसिटिव हियरिंग एंड थिक स्किन, इनकी जो सुनने की कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और स्किन थिक होती है। लिविंग ऑन ट्रीज, अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि जमीन पर नहीं आते हैं, आएंगे तो उनके जो प्रेडेटर है वो तैयार खड़े उनको खाने के लिए। जैसे हम मंकीज की बात करें तो वो कहाँ रहते हैं, मोस्टली ऑन ट्रीज। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड ग्रिपिंग टेल्स, कुछ एनिमल्स में इनकी जो टेल्स होती है वो बड़ी मजबूत होती है, वो ग्रिप कर लेती है। जैसे कि हम बात करें खासतौर से मंकीज के बारे में, तो उनकी लंबी जो टेल्स होती है वो उनको वहां पर ट्रीज पर रहने के लिए एबल बनाती है।
कुछ एनिमल्स में होती है लॉन्ग एंड लार्ज बीक्स, लंबी और विशाल चोंच उनकी, जो उनको पतली ब्रांचेस में पहुंचने में हेल्प करती है। कुछ में होती ब्राइट कलर्स एंड लाउड वॉइस, आवाज बहुत तेज होती है जो उसको अपने बाकी फ्रेंड्स को कॉल करने में या जो प्रेडेटर से बचाने के लिए कॉल देते हैं वो तब उनमें काम आती है। बात करते हैं एडेप्टेशंस इन बिग कैट्स। बिग कैट्स बड़ी बिल्लियां, एक्चुअली जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं लायंस एंड टाइगर्स, इनको बोलते हैं बिग कैट्स। तो इन बिग कैट्स में कौन कौन से एडेप्टेशन, एक्चुअली ये कार्निवोर्स होते हैं, आपको पता ही है, ओनली मीट खाते हैं, तो मतलब फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। तो इनमें एडेप्टेशन कौन कौन से होते हैं, तो पहला एडेप्टेशन होता है इनमें बिग कैट्स में कि इनमें इनका जो सेंस ऑफ स्मेल होता है वो बहुत ज्यादा होता है, विच हेल्प देम टू लोकेट देयर प्रे। तो उनके शिकार को वो ढूंढ लेंगे और अपना फूड प्राप्त कर लेंगे। तो इनका सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज्यादा होता है, सेंसिटिव स्मेल का। इसके अलावा उनकी हियरिंग भी बहुत अच्छी होती है, हियरिंग की जो कैपेसिटी वो भी अच्छी होती है, तो अपने प्रे को ढूंढ लेते हैं इजीली। सेकंड बात करें इनकी, इनका जो कलर है होता है बॉडी का कलर, जैसे लायन के कलर की बात करें तो येलो ब्राउन कलर, तो हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ना टाइगर के बारे में। टाइगर की बॉडी पे स्ट्रिप्स बनी होती हैं, तो वो ब्लैक जो स्ट्रिप्स होती हैं वो उनको कैमोफ्लेज करने में हेल्प करती हैं फॉरेस्ट में, जो नजर नहीं आएगा आप उसके प्रे को और ये उसको प्रेडिक्ट कर लेगा। नेक्स्ट बात करें इनकी जो आईज है वो इनके हेड के फ्रंट पार्ट पे होती है, ये भी हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। तो लेकिन अब क्योंकि एनिमल्स में टाइगर की, टाइगर लेपर्ड इनमें इनका जिक्र करना है क्योंकि फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं हमने, तब वो ग्रासलैंड की बात की थी, फॉरेस्ट की बात करें इसलिए यहाँ पे लेपर्ड के बारे में, टाइगर के बारे में, इनके बारे में बात करें। तो इनमें भी आईज ऑन द फ्रंट ऑफ देयर हेड होती है, तो उनको दूर तक देखने में करेक्ट आइडिया उनको लग जाता है लोकेशन का, तो प्रे को इजीली पकड़ लेते हैं। इसके अलावा उनकी स्पीड, वेरी फास्ट स्पीड होती है उनकी। तो नेक्स्ट इनके जो लंबे और मजबूत जो क्लोज होते हैं, तो वो भी इनको अपने शिकार को पकड़ने के लिए और भागने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये हैं एनिमल्स जो बिग कैट्स हैं उनमें एडेप्टेशंस। रेड आइड फ्रॉग के बारे में बात करते हैं, तो उसमें एडेप्टेशन के लिए बात करेंगे। तो फर्स्ट एडेप्टेशन इनमें है इनके जो स्टिकी पैड्स हैं, नाम क्या है, रेड आइड फ्रॉग, लाल आंखों वाला फ्रॉग मेंढक, तो इसके जो पैड्स होते हैं पैरों के, फीट के, वो स्टिकी होते हैं, चिपचिपे। तो जो स्टिकी पैड्स हैं, चिपचिपे पैड्स हैं, वो क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं ट्रीज के ऊपर इजीली चिपक के रहने के लिए, क्योंकि नीचे आएगा तो खतरा है इसको। तो ये मोस्टली कहाँ रहता है, ट्रीज के ऊपर, तो इसलिए वहाँ पे इसकी ये स्टिकी पैड्स उसकी हेल्प करते हैं, ये ब्रांचेस पर, लीव्स पर, वहाँ पे इजीली चिपक जाता है। दूसरा इसका जो खास फीचर है, उसकी जो बड़ी बड़ी आईज, रेड कलर की आईज, ब्राइट रेड आईज है ना, वो एक्चुअली एडेप्टेशन है बचने के लिए, कि जैसे सपोज ये कभी सो रहा है, अचानक से जब इसका कोई प्रेडेटर इसको जगा दे, अटैक करने वाला हो, तो जब ये आंखें जैसे ही उसकी खुलेंगी ना, तो बड़ी बड़ी आईज, बल्जिंग आईज बाहर आएंगी, बड़ी बड़ी रेड कलर की आईज, तो इनसे वो जो प्रेडेटर है कितने बड़ा हो, अचानक से डर जाएगा ना, और जो वो डरा इतनी देर में इसको मौका मिल जाएगा और ये निकल लेगा, सेम जगह पे भाग जाएगा। इसके अलावा एक और एडेप्टेशन इनका जो ग्रीन कलर है, तो वो इनको ट्रीज की जो लीव्स होती हैं वहाँ पे छुपने में हेल्प करता है, मतलब कैमोफ्लेज हो गया इसका भी। और इसके अलावा इसकी आईज, बड़ी बड़ी आईज हैं, तो वो इसकी आई साइट भी बहुत अच्छी हो गई है, इसलिए इसको इजीली नाइट में नजर आ जाता है। नाइट में क्यों आता है नीचे की तरफ, क्योंकि नाइट में इसको बचने का मौका मिलेगा ना प्रेडेटर से, दिन में आएगा तो कोई भी खा जाएगा इसको ग्रीन कलर का फ्रॉग देखकर, इसलिए नाइट में उतरता है। नेक्स्ट एडेप्टेशन इन मंकी के बारे में बात करते हैं। तो मंकीज मोस्टली आपने देखा होगा ट्री के ऊपर रहते हैं, तो अच्छे क्लाइंबर्स होते हैं, वेरी गुड क्लाइंबर्स, तो ये पहला तो इनका एडेप्टेशन यही हो गया, एक्सपर्ट क्लाइंबर्स। नेक्स्ट बात करें इनकी जो टेल्स होती हैं वो लॉन्ग होती है एंड स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये इनको हेल्प करती है ब्रांचेस को पकड़ने के लिए, क्योंकि इनको ट्रीज के ऊपर रहना मोस्टली, जिससे कि नीचे ग्राउंड वाले जो प्रेडेटर्स हैं उनसे बच जाएंगे। और इसके अलावा इनकी जो आई साइट होती है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, जो इनको इजीली एक ट्री से दूसरी ट्री पर जाने में इनको हेल्प करती है। तो इनके तीन एडेप्टेशंस। नेक्स्ट है एक स्पेशल टाइप का बर्ड, नाम किसका, टूकन बर्ड। और टूकन बर्ड में एडेप्टेशन क्या है, तो सबसे खास बात, द मोस्ट स्ट्राइकिंग थिंग इज इट्स स्पेशल बीक, चोंच, BEAK, बीक मतलब चोंच, तो इसकी लॉन्ग एंड लार्ज बीक, तो ये बड़ी स्पेशल इसकी है, ये ही इसका एडेप्टेशन भी है एक्चुअली। तो इस लंबी और बड़ी चौड़ी सी बीक से फायदा क्या है इसको,
एक्चुअली ये उन ब्रांचेस के ऊपर लगे फ्रूट्स और सीड्स को भी खा सकता है जो कि काफी पतली हो, थिन ब्रांचेस, तो वहां पर भी ये अपने बीक के कारण पहुंच जाएगा, ये बड़ी सी लार्ज बीक के कारण। तो इसलिए इसका ये सबसे खास जो सबसे बड़ा एडेप्टेशन है वो यही है, लॉन्ग एंड लार्ज बीक। इसके अलावा एक खास बात और भी होती है, क्या इसके जो फीट होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं पकड़ने में ब्रांचेस को। कैसे? एक्चुअली इसमें चार टोज होते हैं, पांच नहीं होते थे हमारे, तो पांच टोज होते हैं एक पैर में, तो इनके चार होते हैं, दो आगे की तरफ दो पीछे की तरफ, तो वो मजबूती से ब्रांचेस को पकड़ने में इसकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज दिस लॉयन टेल्ड मकाक। लॉयन टेल्ड मकाक मतलब लॉयन के जैसे पूंछ वाला मंकी। ओके, तो इसके अंदर बात करते कौन कौन से एडेप्टेशन पाए जाते हैं। तो पहली बात तो कि ये जो दिखने में इसके जो स्पेशल एक स्ट्रक्चर दिख रही है आपको इसके फिगर में भी, वो है इसकी वाइट कलर की दाढ़ी। ओके, तो वाइट कलर की दाढ़ी नहीं है एक्चुअली, वो अपने घोड़ों के गले पर गर्दन पे बाल देखे ना, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में मेन, MANE। तो ऐसी ही मैन इनमें भी है, तो लेकिन ये मैन कैसी है, उनके फेस के चारों तरफ वहां से निकल के नीचे तक गाल से होती हुई चिन तक आ गई है, तो इसलिए वो कैसे लग रही है, जैसे दाढ़ी है। ठीक है, तो इसलिए इस मंकी को, लॉयन टेल मकाक को बेयर्ड एब भी बोलते हैं। बेयर्ड मतलब दाढ़ी वाला, एब मतलब मंकी, तो बेयर्ड एब भी इसको बोलते हैं। तो इसकी बॉडी में कौन कौन से फीचर पाए उनके बारे में बात करते हैं। ये तो केवल इसका एक अपीयरेंस का है, इससे कोई इसको एडेप्टेशन नहीं है। इसकी जो दाढ़ी है ये तो केवल दिखने वाली है, इससे इसको कोई फायदा नहीं है। फायदा क्या है, इसके फीचर्स हैं, वो फीचर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो वेरी गुड क्लाइंबर, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी लाइफ का कहाँ गुजारता है, ट्री के ऊपर गुजारता है, अच्छा क्लाइंबर है, वहीं रहता है। हैंड एंड फीट इसके हैं वो एडेप्टेड है होल्ड करने के ब्रांचेस को, इसलिए वहाँ पर इजीली रह लेता है। सेकेंड फीचर है इसकी आई साइट इज वेरी गुड, तो जब वो लीप करता है फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट, वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, तो इसलिए वो इजीली मूव करता है फूड के लिए और अपने प्रेडेटर से बच जाता है, क्योंकि जमीन आएगा नहीं, नीचे आएगा नहीं, ऊपर ही रहेगा। नेक्स्ट इसका जो फीचर है वो है इस, ये एक्चुअली क्योंकि क्या खाता है, ये खाता है फ्रूट्स मेनली, इसके अलावा वो सीड्स खाएगा, लीव्स खाएगा, स्टेम्स खाएगा, फ्लावर्स खाएगा, बर्ड्स खाएगा, तो ये सब उसको प्लांट्स के ऊपर ही मिल जाएंगे, उसको नीचे आना ही नहीं पड़ेगा। इसके अलावा वो इंसेक्ट्स भी खा लेता है कभी कभी, जो बार्क के अंदर जो छुपे हुए इंसेक्ट्स, तो इसलिए उसको ज़मीन पर नीचे आना ही नहीं है, सफिशियंट फूड उनको ट्री पर ही मिल जाएगा। तो ये इसके स्पेशल एडेप्टेशंस। सो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ ए प्लेस। किसी जगह का वेदर को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो हमने शुरुआत में बात की डेफिनेशन में, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड, ये क्या है एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ ए प्लेस। क्वेश्चन नंबर 2, वेन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर लाइकली टू अकर ड्यूरिंग द डे। दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है और मिनिमम टेम्परेचर कब होता है, तो मैक्सिमम तो होता है ड्यूरिंग द डे टाइम इन द आफ्टरनून, और मिनिमम कब होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द एवरेज वेदर टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक जो वेदर जो कहीं एक किसी जगह का होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वहां का क्लाइमेट। सेकेंड, एक प्लेस रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, बारिश बहुत कम होती है एक जगह पर, एंड टेम्परेचर हाई थ्रू आउट द ईयर, और साल भर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो क्लाइमेट कैसी होगी इस जगह की, क्योंकि बारिश बहुत कम इसका मतलब क्या होगा, ड्राई बारिश के मामले में, तो और टेम्परेचर बहुत ज्यादा इसका मतलब कैसा होगा, हॉट होगा, तो हॉट एंड ड्राई। अगर बारिश कम होती तो क्या हो गया, ड्राई, बहुत ज्यादा होती तो क्या हो जाता है, यहाँ पर ड्राई की जगह पे वेट आ जाता, टेम्परेचर कम होता साल भर ही, तो क्या होता यहाँ पे, क्या होता, कोल्ड। द टू रीजन्स ऑफ द अर्थ विल विथ एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन, इस चैप्टर में दो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन पढ़ी है, तो वो दोनों कौन सी, पहली पोलर रीजन और दूसरी ट्रॉपिकल रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द टू फॉलोइंग एरियाज, सॉरी क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। तो जम्मू एंड कश्मीर की क्लाइमेट कैसी है, वो है, हमने बात की थी, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता है, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं होता है, तो वो मॉडरेटली हॉट एंड वेट, बारिश साल भर होती रहती है थोड़ी थोड़ी। केरला की बात करें तो टेम्परेचर साल भर ही गर्म रहता है और बारिश भी साल भर ही होती रहती है, तो हॉट एंड वेट। राजस्थान की बात करें तो टेम्परेचर काफी ज्यादा रहता है साल भर
और बारिश साल भर बहुत कम होती है, द हॉट एंड ड्राई। लास्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ पर बारिश साल भर होती रहती है, टेम्परेचर मॉडरेटली हॉट होता है, इसे मॉडरेटली हीट आप जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रीक्वेंटली, कौन बदलता है ज़्यादातर दोनों में से, वेदर या क्लाइमेट। तो वेदर बदलती है, वेदर तो मिनट्स में बदल सकता है, सेकेंड में बदल सकता है, और क्लाइमेट ये तो डिकेड्स तक, कई कई सौ सैकड़ों सालों तक भी बदलता नहीं है क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, कुछ एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक बता रखी है यहाँ पर नीचे 1 से लेकर 10 तक, और हमें क्या करना है, फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेट वेदर इट इज ए एडेप्टेशन फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और पोलर रीजन्स। तो हमें ये बताना है कि ये जो 10 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बता रखी है वो कौन से रीजन में काम आएगी, कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए सही है। डू यू थिंक दैट सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी एडेप्टेड फॉर बोथ रीजन्स, क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टीज हैं दोनों जगह ही काम आती हैं, तो उनके बारे में आपको बताना है। ओके, सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, पहला है डाइट हैवी ऑन फ्रूट्स, जो फ्रूट्स ज्यादातर खाते हैं, तो फ्रूट डेफिनेटली आपको कहाँ मिलेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेंगे। सो द आंसर इज दिस। वाइट फर, वाइट फर की बात करें तो वाइट फर उनको कैमोफ्लेज करने के लिए कहाँ काम आएगा, इन द पोलर रीजन, तो ये पोलर रीजन का आंसर उसका। नीड टू माइग्रेट, एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो नीड पड़ेगी, नीड होगी किसको होगी, वो जो कोल्ड एरिया में रहते हैं उनको जाना पड़ेगा ना, तो ये पोलर रीजन वालों को जाना पड़ेगा। नेक्स्ट लाउड वॉइस, जिनकी आवाज बहुत ज्यादा तेज, तो बहुत ज्यादा आवाज कहाँ काम आएगी, ये वाली आवाज कहाँ है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, जिसे कि इजीली, क्योंकि नजर तो आएगा नहीं, तो आवाज, क्योंकि जंगल ज्यादा है तो यहाँ पे आवाज ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट स्टिकी पैड्स ऑन फीट, पैरों पर स्टिकी पैड्स, चिपचिपे पैर, हमने बात की जो रेड आइड जो फ्रॉग था उसके, तो वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है। नेक्स्ट द लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, स्किन के नीचे फैट की लेयर, जिससे कि उनको इंसुलेशन मिलता है, गर्मी मिलती है, तो ये कहाँ, गर्मी कहाँ चाहिए, पोलर रीजन में चाहिए ना। ओके, वाइड एंड लार्ज पॉज, बड़े बड़े पंजे, चौड़े और बड़े विशाल पंजे, तो ये कहाँ काम आएंगे, पोलर रीजन में काम आएंगे, उनको वहाँ पर फिसलने से बचाने के लिए। ब्राइट कलर्स, ब्राइट कलर्स कहाँ काम आएंगे, जो कि कैमोफ्लेज कर पाएंगे, तो ये कहाँ आएंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, क्योंकि जब पोलर रीजन की बात करते हैं तो ओनली वाइट कलर चाहिए मोस्टली। स्ट्रॉन्ग टेल्स, मजबूत पूंछ, मजबूत पूंछ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में काम आएगी, आइस में तो कोई काम ही नहीं है इसका। लॉन्ग एंड लार्ज बीक, लंबी और विशाल चोंच, ये किस, कौन से बर्ड की है, टूकन बर्ड की, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसका एग्जांपल्स। तो क्या कोई ऐसा फीचर आपको दिखता है जो दोनों जगह काम आएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी और वहां पर भी पोलर रीजन में भी, इनमें से कोई ऐसा फीचर दिख रहा है आपको, टेल्स, ब्राइट कलर, वाइट एंड लार्ज पॉज, इनमें से कोई सा भी ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, एक्सप्लेन व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों, वहां पर एनिमल्स का इतनी ज्यादा पॉपुलेशन क्यों है, तो इसका कारण है हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर एंड कंटिन्यूस रेनफॉल इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सूट द सर्वाइवल ऑफ मैनी एनिमल्स, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर साल भर ही कैसे ज्यादा है और बारिश भी साल भर खूब सारी होती है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी, तो ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट हैज लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, क्योंकि सबको सबका फूड मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द, विद एग्जांपल के साथ में एक्सप्लेन करना है, व्हाई वी फाइंड एनिमल्स ऑफ सर्टेन काइंड लिविंग इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन, कुछ खास तरह के एनिमल्स कुछ खास तरह की क्लाइमेट में ही क्यों मिलते हैं, सब जगह क्यों नहीं पाए जाते, तो इसका आंसर है एनिमल्स आर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव, जो जहाँ रहते हैं ना वो उसके अकॉर्डिंग सर्वाइव करने के लिए उनमें एडेप्टेशन पाए जाते हैं। तो एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन मस्ट पजेस स्पेशल फीचर्स, उनमें कुछ खास फीचर होने चाहिए जो कि उनको बचा सके, किसके अगेंस्ट, द एक्सट्रीम कोल्ड और हीट, अगर वो रह रहा है कोल्ड वाले एरिया में, पोलर रीजन में, उसके अकॉर्डिंग उनके फीचर होने चाहिए, अगर वो रह रहा है हॉट वाले एरिया में, तो उसको उससे बचने के लिए उसमें बॉडी में फीचर होने चाहिए। एग्जाम्पल, अगर फीचर नहीं हो तो वहाँ रह पाएगा क्या, नहीं रह पाएगा, इसलिए उनमें कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने बॉडी में एडेप्टेशन होना चाहिए, जैसे कि पोलर बियर्स हैव वाइट फर, व्हाइट फर होता है उनमें, सो दैट दे आर नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोई
व्हाइट बैकग्राउंड, तो स्नोई व्हाइट बैकग्राउंड है उसमें वो नजर नहीं आएगा। तो ये पोलर बियर के लिए सुटेबल रहे कहाँ रहना, उसके लिए सुटेबल रहना कहाँ पर, जो कि पोलर एरियाज है। इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर प्रेडेटर से बचाएगा, इट ऑल्सो हेल्प देम इन कैचिंग देयर प्रे, प्रेडेटर से बचाएगा और प्रे को पकड़ने में काम आएगा। प्रे कौन होता है, उनका शिकार, प्रेडेटर मतलब उनका शिकारी, शिकारी मतलब शिकार करने वाला। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड से बचाने के लिए दे हैव टू थिक लेयर्स ऑफ फर, फर की दो लेयर होती है। दे ऑल्सो हैव ए लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन, फैट की लेयर होती है ये उनको बचाती है। दे हैव टू थिक लेयर ऑफ सो वेल इंसुलेटेड, दे हैव टू मूव स्लोली एंड ऑफन रेस्ट टू अवॉइड गेटिंग ओवरहीटेड। इतने ज्यादा इंसुलेशन होता है उनका बढ़िया कि उनको धीरे धीरे चलना पड़ता है कि ज्यादा गर्मी ना हो जाए। ओके, सिमिलरली इन रेन फॉरेस्ट, और रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, रेड आइड फ्रॉग जो होता है उसके स्टिकी पैड्स होते हैं पैरों पर, जो कि उनको हेल्प करते हैं ट्रीज पर चढ़ने के लिए जहाँ की रहता है। तो इससे समझ में आया हमें कि कुछ एनिमल्स हैं कुछ खास जगहों पर ही रह सकते हैं। Now question number 9, how do elephants living in the tropical rainforest adapt itself? So tropical rainforest का जो सबसे बड़ा जो animal है elephant, वो कैसे रहता है, तो उसके body में adaptation कौन कौन से हैं? So following are the adaptation of elephants in rainforest. पहला, it uses the trunk as nose to have strong sense of smell. स्मेल के लिए लंबी सी उसके पास नोज है ट्रंक के फॉर्म में। ट्रंक इज आल्सो इज यूज्ड टू पिक फूड, फूड को पिक करने में काम आती है। जो कि इट हैज मॉडिफाइड टीथ एट टस्क, उसके जो दांत हैं इनसाइजर वो बदल जाते हैं टस्क के फॉर्म में। तो ये किसमें हेल्प करते हैं, टू टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज, ट्रीज की बार्क को छीनने में, विच आर फूड फॉर एलिफेंट, एलिफेंट का फूड होता है। लार्ज ईयर्स ऑफ एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड, बड़े बड़े कान बहुत हल्की आवाजों को भी सुनने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा बड़े कान और क्या हेल्प करते हैं, द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट, उनका टेम्परेचर भी कम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आगे वाले क्वेश्चन उनके लिए है, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो करेक्ट ऑप्शन चूज करना, एमसीक्यू आ गए तीन आपके लिए। पहला एमसीक्यू है, ए कार्निवोर विद स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी मूव्स वेरी फास्ट, तो उसकी बॉडी पर स्ट्राइप्स से पट्टियां और मूव वेरी फास्ट, बहुत तेज चलता है। वाइल कैचिंग इट्स प्रे, अपने प्रे को पकड़ने के लिए बहुत तेज मूव करता है, दौड़ता है। इट इज लाइकली टू बी फाउंड इन, तो ये कहाँ पाया जाएगा, पट्टियां हैं, सिंपल सी बात है, जब पट्टियां होंगी तो वो पोलर रीजन में तो हो नहीं सकता, तो कहाँ हो सकता है वो, पोलर रीजन में नहीं हो सकता, डेजर्ट्स में, रेगिस्तान में, पट्टियों वाला तेज भागने वाला रेगिस्तान में भागेगा कैसे वो, ओशंस में, ओशंस में नहीं भागना नहीं है उसको, सॉरी स्ट्राइप्स नहीं होंगी। ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट में तो यस दैट इज टाइगर, आपको समझ में आ गया टाइगर वो एनिमल है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, विच फीचर्स अडैप्ट पोलर बियर्स टू लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट रहने के लिए कौन से फीचर पोलर बियर के लिए करेक्ट है, तो इन चार में से आप देख लीजिए करेक्ट आंसर। फर्स्ट वाला ये, वाइट फर, फैट बिलो स्किन, कीन सेंस ऑफ स्मेल, कीन सेंस मतलब बहुत ज्यादा सेंस उसका है स्मेल का। लास्ट क्वेश्चन है, Which option best describes a tropical region? Tropical region के बारे में कौन सा सबसे अच्छा बताता है? तो ये hot and humid tropical region में क्या गड़बड़ हुई है यहाँ पर, ये वाला जो option है ना, ये यहाँ पे copy paste हो गया गलती से। Okay, hot and humid इसका answer है only ये वाला, आप इसको ठीक कर लीजिएगा, ये वाला इसका correct नहीं है। So that's all from this chapter. Thank you.